शहंशाह अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। उनमें से सबसे बुद्धिमान था बीरबल। बादशाह अकबर जब भी किसी मुसीबत में फंसते, चतुर बीरबल झट से उस परेशानी का हल निकाल लेता। उसी दरबार में मुल्ला दोप्याजा नाम के एक मंत्री थे, जो बीरबल की प्रशंसा सुनकर खुश होने की बजाय दुखी हो जाते थे। मुल्ला दोप्याजा अपने कुछ दरबारी मंत्रियों के साथ बीरबल को नीचा दिखाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढते रहते और मुल्ला दोप्याजा को मौके भी मिलते रहते थे। जैसे एक दिन जब रोज की तरह उस सुबह बीरबल बादशाह अकबर के साथ शतरंज खेलने वक्त पर नहीं पहुंचे, तो अकबर ने एक सैनिक से कहा, जाओ और देखो कि बीरबल कहाँ रह गए, आज भी वक्त पर नहीं आए। बस मुल्ला दोप्याजा को मिल गया मौका। वहीं पास में खड़े दोप्याजा ने जब ये सुना तो झट से अकबर से कहा, गुस्ताखी माफ जहां पना, मगर आजकल हम देख रहे हैं कि मंत्री बीरबल आपको ज्यादा तवज्जो नहीं देते। आप कहना क्या चाहते हैं दोप्याजा? मुल्ला दोप्याजा को जवाब दें उससे पहले ही बीरबल वहां पहुंच जाते हैं। गुस्ताखी माफ जहां पना, आज आंख जरा देर से खुली। इससे पहले कि बादशाह अकबर कुछ कहे, मुल्ला दोप्याजा ने आग में घी डालने वाली बात कह दी। बीरबल, आपको जहाँ पनाह के वक्त से ज्यादा अपनी नींद कीमती लगती है, और यहाँ सब लोग कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। इतना सुनते ही बादशाह सलामत जलालुद्दीन अकबर को गुस्सा आ गया। बीरबल की बात को बीच में काटते हुए अकबर बोले, बस बीरबल बस, आज का खेल यहीं खत्म हुआ, आपसे हम दरबार में मिलेंगे। ये कहकर बादशाह अकबर गुस्से से उठकर वहां से चल दिए। मुल्ला दोप्याजा ने एक नजर बीरबल के उदास चेहरे को देखा और मुस्कुराते हुए अपने साथियों के साथ दरबार की ओर कदम बढ़ाए। बीरबल समझ गए थे कि अब बादशाह अकबर उनके सामने कोई ना कोई चुनौती जरूर रखेंगे। दरबार में बीरबल, मुल्ला दोप्याजा और बाकी दरबारी बेसब्री से बादशाह अकबर का इंतजार कर रहे थे। अकबर तैयार होकर जैसे ही दरबार में आए, सबने झुक कर उन्हें सलाम किया। मगर ये क्या, उनके पीछे पीछे एक सैनिक बकरी हाथ में लिए चला आ रहा था। अपने तख्त पर बैठकर बादशाह अकबर ने बकरी की तरफ इशारा करते हुए कहा, बीरबल, ये शाही बकरी है, इसे अपने साथ ले जाओ और 1 महीने तक इसकी देखभाल करो। बस हमारी एक शर्त है। कैसी शर्त जहां पना? 1 महीने बाद जब तुम इस बकरी को हमारे पास लेकर आओ, तो इसका वजन ना घटना चाहिए ना बढ़ना चाहिए, जो वजन अभी है वही रहना चाहिए, नहीं तो हम तुमसे ये मंत्री का ओहदा छीन लेंगे। बादशाह अकबर को बीरबल पर गुस्सा होते देख मुल्ला दोप्याजा ने साथ खड़े मंत्री के कान में धीरे से कहा, अब देखना फंस गया ये बीरबल, अपने आप को बहुत होशियार समझता है। मुल्ला दोप्याजा की बात सुनकर सब धीरे धीरे मुस्कुराने लगे। अक्लमंद बीरबल दरबारियों की चाल को समझ गया और बोला, जी जहां पना, मैं 1 महीने बाद इस बकरी को लेकर आऊंगा, और जो वजन अभी है वही वजन उस वक्त भी रहेगा। बकरी का वजन करके बीरबल को दे दिया जाए। बीरबल को बकरी अपने साथ ले जाता देखकर सारे दरबारी जोर जोर से हंसने लगे। बीरबल बकरी को लेकर अपने घर पर आता है। जल्दी घर आने और साथ में बकरी होने पर उसकी पत्नी उर्वशी पूछती है, क्या बात है, आज आप जल्दी आ गए, और ये बकरी? आज फिर मुल्ला दोप्याजा ने जहां पनाह को मेरे खिलाफ भड़का दिया है। उन्होंने दी है ये बकरी, 1 महीने बाद बिना वजन कम या ज्यादा हुए ये बकरी उन्हें वापस देना है। ये कैसे संभव है? तुम तो जानती ही हो, हर समस्या का हल बीरबल। बात तो सही थी, पूरे राज्य को पता था कि हर समस्या का हल बीरबल, मगर इस बार की परेशानी ने बीरबल को भी सोच में डाल दिया था। वो रात भर जागता रहा और सुबह होने के पहले ही इस समस्या का हल भी उसने खोज लिया। बीरबल अपने एक शिकारी दोस्त को लेकर राज्य के बाहर घने जंगल में जाता है और उससे कहता है, केवट,
इस बार मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। मित्र, तुमने हमेशा मेरी मदद की है, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। मुझे एक महीने के लिए पिंजरे में बंद शेर चाहिए, क्या तुम मेरे लिए ये काम कर सकते हो? बिल्कुल मित्र, मगर शेर का तुम क्या करोगे? वो समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। अपने मित्र केवट को शेर पकड़कर लाने का कहकर बीरबल दरबार की तरफ चल दिया। दरबार में पहुंचते ही सारे दरबारियों ने बीरबल को घेर लिया और मुल्ला दो प्याजा ने पास आकर कहा, बीरबल इस बार तुम नहीं बच पाओगे, इस बार तो तुम्हारा ओहदा समझो तुम्हारे हाथ से गया। सारे दरबारी जोर जोर से हंसने लगे। इससे पहले कि बीरबल कुछ कह पाता, बादशाह अकबर दरबार में आते हैं। आज के दरबार को शुरू किया जाए। अब बीरबल रोज सुबह बकरी को भरपेट घास खिलाता और उसे देखकर मुस्कुराता और शाम को बकरी को लेकर घर से बाहर निकल जाता। एक महीने बाद जब बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ बैठे बीरबल का इंतजार कर रहे थे, तब बीरबल बड़ी शान से अपने साथ बकरी को लिए दरबार में दाखिल हुआ। ये लीजिए जहां पना, आपकी शाही बकरी, पहले आप इसका वजन करा लीजिए, कहीं घटा या बड़ा तो नहीं है। बकरी का वजन किया जाए? दरबार में एक बड़ा सा तराजू लाया गया। सब दरबारियों की नजरें कभी बकरी पर तो कभी मंद मंद मुस्कुराते बीरबल पर पड़ती। बकरी को तराजू में रख कर उसका वजन किया गया। जहां पना, वजन बराबर है, ना एक तोला कम ना एक तोला ज्यादा। बादशाह अकबर के साथ साथ सभी दरबारी आश्चर्यचकित होकर बीरबल की तरफ देखते हैं। बीरबल, ये कैसे मुमकिन है कि एक महीने बाद भी बकरी का वजन ज्यों के त्यों रहे? गुस्ताखी माफ जहांपना, इसका राज बताने के बाद आप मुझसे नाराज तो नहीं रहेंगे ना? बिल्कुल नहीं बीरबल। बीरबल ने मुल्ला दोप्याजा की तरफ शरारत भरी नजरों से देखते हुए कहा, डर जहांपना डर, मैं बकरी को दिन भर खूब घास खिलाता और रात में भूखे शेर के पिंजरे के पास छोड़ देता। शेर के डर से बकरी रात भर दौड़ती रहती, जिससे दिन में खाया सारा खाना हजम हो जाता। बीरबल की चतुराई को सुनकर सारे दरबारी वाह वाह कर उठे और बादशाह अकबर अपने गले से निकालकर एक मोतियों का हार बीरबल को देते हुए बोले, ये लो बीरबल तुम्हारा इनाम, आज फिर तुमने हमें लाजवाब कर दिया। सारे दरबारी एक साथ कहते हैं, हर समस्या का हल बीरबल, हर समस्या का हल बीरबल।